तो ऑदर रुतबा करीमा जी कुछ यहाँ पहुँच गया है। ECL एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग जिसमें अल्फा सिंह को चुन लिया गया है जी लखनऊ लायंस की टीम से। गरीब भैया फैन किसके हो ECL में? वन ओनली इंडिया का नंबर वन ब्लॉगर अल्फा सिंह। नो वन अवे फ्री इट। अब देखते हैं जी जरा सिस्टम क्या बैठता है। गुड़गांव में आते ही सिस्टम निकलना शुरू हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है ग्रीव जी। दोस्तों आपने इतना मुझे बोला कि भाई साहब आप गाड़ी में ब्लॉग शुरू करते हो ग्रीमा जी के साथ, गाड़ी में ही ख़त्म कर देते हो, तो इसलिए आज मैंने गाड़ी में कुछ भी शुरू नहीं करा। मैंने आज गाड़ी पार्किंग में लगा दी दूर कि गाड़ी दूर दूर तक आपको दिखे ही ना, सिर्फ मैं देखूँ, ग्रीमा जी देखे और पीछे हमारी ऑफिस की बिल्डिंग दिखे। हाँ जी, तो ग्रीमा जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ द वन एंड ओनली इंडिया का नंबर वन व्लॉगर। पता ही आपको कौन है इंडिया का नंबर वन व्लॉगर, सिर्फ बोलते नहीं है जी हम, अब हम एक्चुअली हो चुके हैं गरीमा जी। क्योंकि इंडिया के टॉप क्रिएटर जो हैं अल्फा सिंह, एलविश यादव, हर्ष बेनीवाल एक्सेट्रा, एक टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं क्रिकेट का जो कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाला है, जिसकी टिकटें आपको खरीदनी पड़ेंगी अगर आपको मैच देखना है। तो ऑदर रुतबा गरीमा जी कुछ यहाँ पहुँच गया है एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का। अरे गजब, थैंक यू जी, थैंक यू। सो ये सब हुआ है सिर्फ इनकी वजह से। या खरीदो, मैं भी आने वाली हूँ। या हमारी सारी ऑडियंस आने वाली है मैच देखने, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप भी ज़रूर आए अल्फा सिंह को देखे खेलते हुए बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ, मतलब बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ। बट पहले हम अपनी गाड़ी ले आते हैं जी, क्योंकि हमने ज़्यादा दूर खड़ी कर दी तो वो अपने को मिस कर रही थी। या जैसे आप देख रहे हैं ऑफिस टाइम में भी हम मॉल में घूमते रहते हैं, हमारे पास बहुत काम है फिर भी हम घूमते हैं। बिकॉज़ लाइफ फ्रंट क्या बना जी। सो एक्चुअल में अपने ऑफिस में अपने को पार्किंग नहीं मिलती, एम्प्लॉई ज़्यादा है, पार्किंग स्पेस कम है, तो अपने को सामने एमबीएस मॉल में लगानी पड़ती है जी। अब 3-4 घंटे के बाद एक्स्ट्रा 20-20 रुपये लगने शुरू हो जाते हैं और अपन निकलते हैं रात में, तब तक जी गरीमा जी 100 रुपये का लग जाता है। तो आज 40 रुपये बचाने हम लंच के बाद पैदल चल के जा रहे हैं बेसमेंट से गाड़ी लेने और ऑफिस में घुसाने। हमने वैसे पूछा था कि ऑफिस में जगह है या नहीं, वैसे तो होगी नहीं, कुछ इस टाइम हो जाती है। 5 बज गए ना, अभी तो लिफ्ट में जगह नहीं दिख रही मुझे। हमें जीप में नहीं जगह नहीं। ये बेचे की दोस्तों पूरे 30 रुपए हमने आज बचा लिए हैं, 70 रुपए लगे अपने सिर्फ पार्किंग के। और अब जैसा कि बताया था गाड़ी दोबारा हम ऑफिस में घुसाएंगे, ऊपर जाके कॉफी पियेंगे एंड काम करने बैठेंगे, क्योंकि काम करना बहुत जरूरी है। 7 से 9 फिर कॉल्स पे हमसे स्टेटस मांगने लगे जाते हैं जी, तो काम करने का टाइम होता नहीं, स्टेटस ही स्टेटस होता रहता है पूरा दिन। दिस इज द लाइफ ऑफ अ कंसल्टेंट। तो बात हो रही थी ELC की। अरे इसका तो फोन आ रहा है यार। ELC नहीं, ELC तो मैं कंट्रोल टेस्ट कर रहा हूँ। बात हो रही थी ECL की और ECL का फोन आ रहा था। एक सेकंड, तो फोन आ रहा था कि आज प्रैक्टिस रखी गई है तो आज आओ। मैंने कहा जी यार हम कॉर्पोरेट मजदूर है, कॉल्स है अपनी, तो एकदम से इंस्टेंट हम आ नहीं सकते, क्योंकि ऑल्दो आई एम इंडिया का नंबर वन ब्लॉगर गरीमा जी, बट अभी इंडिया का नंबर वन ब्लॉगर इतना बड़ा नहीं हुआ है कि नौकरी छोड़ के है ना जी क्रिकेट खेलने चले जाए और कॉन्टेंट बना ले। सो बस इतना सा फर्क है, ब्लॉगर हम इंडिया के नंबर वन है बट इंडिया के भी टॉप क्रिएटर्स नहीं है। तो जो बाकी टॉप क्रिएटर्स खेल रहे हैं वो तो जी पता ही है ना आपको। फिर तो जब हमारा भी ऐसे हो जाएगा ना तब दोस्तों फिर आपको पता नहीं लेवल क्या होने वाला है, वर्ल्ड का नंबर वन ब्लॉगर बोला करेंगे तब। ये लोग कल को चेक करा देते हैं। और बताइए गरीमा जी, गरीमा जी फैन किसके हो ECL में? वन ओनली अल्फा सिंह। अभी कैमरा बंद था बोल रही थी यार, फुकरा इंसान से मिलवा दियो।
दोगले हैं दुनिया में लोग, आपको पता नहीं है कितने। मैंने ये बोला है पार्किंग मिस हो गई। हाँ पकड़ो जरा, आप ऐसे पकड़िए, बोलो जरा सा। मैंने ये बोला है कि वो मुझे पसंद है, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला है कि मैं उसकी फैन हूँ। कोई सेंस है इस बात है ना? फैन तो खैर मैं किसी की भी नहीं हूँ। अच्छा ये खेलता है तो मुझे अच्छा लगता है ना, क्योंकि भाई है अपना है ना। और हम देखो ट्यूनिंग भी कर रहे हैं। देख रहे हो। हट जाओ दीदी, ऑटो बाद में पकड़ लेना, हमें गाड़ी अंदर ले जानी है। नहीं ऑटो पकड़ने वालों के लिए मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं ही पकड़ती हूँ। ऑटो इसे पकड़ने तो मारना नहीं है हमें किसी को नहीं उड़ाना है, सिर्फ बॉल को उड़ाएंगे। बात तो सही है। आप कंटिन्यू रखो व्लॉग, ऐसे लोगों को होल्ड भी रखोगे आपने? ऐसे नहीं भाई, उनका टाइम कीमती है। हाँ। और मैं सीख भी रही हूँ, सो दैट मैं आपसे ज्यादा कनेक्टेड रह पाऊँ ना, तो आजकल अमन दे देता है मुझे कि ले कर मैं ब्लॉगिंग कर, तो अभी मैं बताऊंगी कि मैं कैसा ब्लॉग बनाती हूँ। तो अभी हम रख रहे हैं, कदम ऑफिस में एंटर कर चुके हैं, यहाँ कुछ भी अलाउड नहीं है, जैसे कि अमन बता चुका है आपको। मतलब इससे थोड़ा सा आगे अलाउड है, बट अमन कम फट्टू है, मैं थोड़ी ज्यादा फट्टू हूँ। तो मैं जीवन में सिर्फ सही काम करती हूँ जो दूर दूर तक भी सही हो। अच्छा ठीक है इस पे ये वाला मीम आएगा। अच्छा ठीक है ओके गाइस, बाय बाय। ओके बाय दोस्तों, अब हम काम करने जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं, मिलते हैं आपको 9:30 बजे। और मजदूरी करना कोई गलत बात नहीं है, या आप कहीं इसको समझते हो कि भाई ऐसे ऐसे बोलते हैं, गलत बात नहीं जी, हमें रोटी पानी भी तो कमाना है। तो मजदूरी अच्छी होती है, हम सारे मजदूरों की जो असली में दिहाड़ी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू। आज का ज्ञान समाप्त हो। दोस्तों रात के 2:20 हो रहे हैं और हमारे लखनऊ लायंस के शेर दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम, जहां पे हमारे ईसीएल के मैचेस होने वाले हैं, वहां पे पहुंच रखे हैं जी एक प्रैक्टिस मैच खेलने। बताइए, मैं तो जी सुबह से ऑफिस करके आया और इनका शाम को एक मैच था, तो उसमें मैं जा नहीं पाया जी ऑफिस की कॉल्स की वजह से। तो हम जी घर आ गए, खाना पीना खाया, अभी एडिटिंग कर रहे थे और देखा जी ग्रुप पे बड़ी जैसे टिंग टिंग बज रही है। मैंने खोला तो पता लगा कि ये सब मैच खेलने जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं जी, जा गए हैं सारे, कोई ग्राउंड मिल गया गुड़गांव में तो जा रहे होंगे। बट फिर एक बंदे ने लोकेशन शेयर करी, मैंने गलती से क्लिक कर दिया और देखा कि दिखा रहा है सिर्फ 10 मिनट्स। अबे फिर ध्यान से देखा तो ये तो इंदिरा गांधी स्टेडियम निकला। मैंने तुरंत ग्रुप पे मैसेज करा कि सारे यहाँ पे आ रहे हैं और कंफर्मेशन मिल गई, जी हाँ अगर आप जागे हो तो आ जाओ। तो अल्फा सिंह जी गाड़ी उठा के पहुंच गए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जी जहाँ पे हमारे ईसीएल के मैचेस होने वाले हैं, वो वाला स्टेडियम, मजा आ जाएगा जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए दोस्तों जल्दी से पहुंचते हैं आईटीओ इंदिरा गांधी स्टेडियम। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रात के 2:30। मेरे को तो तेज बोलने में डर लग रहा है, एथलीट की फोटो लगी है, जा रहा है, यहां से शोर आ रहा है। भाई वाह, भाई साहब, अरे अरे भाई क्या हो गया, ट्रैवलिंग की लगी नहीं भाई। ठीक है पहला मैच उसका। नो बॉल भाई, फ्री हिट। हाँ
आ गया छक्का आ गया। सो मुझे पता नहीं था कि भाई साहब यहाँ पे तो एलविश यादव भाई की टीम हरियाणा हंटर्स और हमारा मैच लगा हुआ है जी, बहुत ही तगड़ा और हम बहुत पिले, बट हमने भी अच्छी फाइट करी, हार गए लेकिन 50-60 रन से, बट कोई नहीं जी। अब कल से जी हमारा होटल में चेक इन है नेहरू प्लेस में, और उधर ही रहना पड़ेगा टीम के साथ। मेरे को टेंशन हो गई है, मैं ऑफिस का काम कैसे करूँगा। और लेट्स सी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, थैंक यू भगवान का, थैंक यू हमारे कप्तान साहब का, अनुराग भाई का जिन्होंने रीच आउट करा था, एंड तरन भाई का। Let's go.